लसन नंबर कौन है? तेरा है ना। अच्छा कल आप चुंबक पढ़े थे याद है ना, जो चुंबक होता है लोहे लोहे से बने वस्तुओं का अपना क्या करता है? आज चुंबक दो प्रकार का होता है, याद को प्राकृतिक वाला कल पढ़े थे। प्राकृतिक मतलब का जो माटी से प्राप्त होता है, चट्टान से प्राप्त होता है, उसी को कौन चुंबक कहते हैं प्राकृतिक। आज आपको लिखना है कृत्रिम चुंबक, लिख लेते हैं कृत्रिम चुंबक। अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अच्छा ये बताओ, मानव द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है उसी को तो कृत्रिम चुंबक कहते हैं, लेकिन एक शक्ति अधिक होता है, क्योंकि मानव बना रहा है, आदमी जो बनाता है वो शक्तिशाली होता है। देख लो, देखो मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम, आप लोग सबके कभी भी इसको लिखते रहना, जब उसको बताया जाएगा तो एक जगह लिख रहा। मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह प्राकृतिक चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है। तारा द्वारा पर बाहर तो डीजे है, ये सुने है ना? तो मैं जो चुंबक होता है कौन चुंबक होता है? आइए होता है, लो तो आ गए, क्या पढ़ो जल्दी से आप पढ़िए। उदाहरण में लिख सकते हैं लाउड स्पीकर का चुंबक प्रवर्तन, लिख लीजिए आप लाउड स्पीकर का चुंबक। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? अरे मोबाइल में भी चुंबक होता हो, डीजे के भी लिखा जा। तो मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? चलो आगे, चुंबक के गुण। और चुंबक देखते होते इसके क्या क्या गुण होता है? देखो पहला, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, याद है ना? अगर चुंबक अगर बनाते हैं तो कितने ध्रुव होते हैं? या नो, यस, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। आगे लिखना चुंबक के, चुंबक लोहे के चुंबक, याद करना चुंबक के लोहे के वस्तु खींच रहता है ना, जैसा लिखना चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमता। ये चुंबक के कुछ गुण बता दोगे तो बाकी गुण बताओगे? यहाँ लटकाओगे ना चुंबक, ये हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर घूम जाता है, क्या बोलिए? वह हमेशा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर घूम जाता है, तो याद कर लेना चुंबक के गुण। चुंबक के गुण रहे
काले का चुंबक का चित्र बनाकर आपको समझाएंगे। काले का ये